जी डिमांड्स ये हैं कि स्पेसिफिकली जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, क्रिमिनल एस्पेक्ट की जो जांच सीबीआई करेगी, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो फेलियर्स हुए हैं उस पर सिटिंग जज की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद एक लॉ बनना चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की। जो मेडिकल कॉलेजेस अपने ट्रेनी डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, सेफ वर्क कल्चर नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनकी डिग्रियां, उनके कोर्सेज डी रिकॉग्नाइज होने चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो बड़े अस्पताल हैं वो क्रिटिकल इंडस्ट्री होते हैं, उनको भी वही प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए जो ऑयल रिफाइनरीज, एयरपोर्ट्स में जो CISF को दिया जाता है वैसे ही देना चाहिए। पूरे दिल्ली के RDS जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े, सभी RDS के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग अभी नहीं आ पाए हैं, एम्स से, सफदरजंग से, कई जगहों से लोगों को आने में दिक्कत कर रहे हैं पुलिस। हमारा आज एक यही सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि यह सुरक्षा व्यवस्था जो आज डॉक्टरों को रोकने के लिए लगा दी गई है, यह अस्पतालों में कब आएगी? कब हमारे जो डॉक्टर्स की, जो महिला डॉक्टर्स हैं, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हॉस्पिटल में होगा? एक हॉररिफिक मोमेंट रहता है हमेशा जब कोई औरत, लड़की नाइट ड्यूटी करती है, ये हॉरर कब खत्म होगा? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे माननीय अमित शाह जी और माननीय JP नड्डा जी कब कुछ ठोस कदम उठाएंगे? तो ये हमारा सबसे बड़ा डिमांड हो गया है कि अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है हमारे लिए, तो हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर एक ठोस कदम चाहिए, उससे कम में हम नहीं मानेंगे। जिसमें साफ लिखा हुआ है मेमोरेंडम में कि लगभग 6 घंटे के भीतर FIR करना अनिवार्य होगा अगर किसी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर के साथ किसी तरह का मामला सामने आता है, क्या कहेंगे? ये मेमोरेंडम एक ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाला बात है। हमारी जो डिमांड्स है वो बहुत क्लियर कट है, इसमें और कोई भी लॉलीपॉप लेने को डॉक्टर समुदाय तैयार नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधी हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर केंद्र सरकार को अब कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं, फिलहाल हमारे पास कोई भी अंदर से कोई ऐसा ठोस कदम अंदर से कोई अधिकारी की तरफ से नहीं आया है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे बंगाल के डॉक्टर्स को जस्टिस नहीं मिलेगा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी। ये सिर्फ मेडिकोस की इशू नहीं है, ये इंसानियत की भी ज़्यादा इशू है। आज यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स खड़े हैं, यहाँ पे हम पब्लिक को भी ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आज हम मेडिकोज के साथ, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, अपने हॉस्पिटल में हुआ है, जहाँ पे हम लोग अपने मम्मी पापा हमें हॉस्पिटल भेजते हैं ताकि हम हॉस्पिटल में अगर जाते हैं हम लोग तो वो श्योर हो जाते हैं कि हम सेफ है। पर अगर ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड एंड ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है एंड द क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड एंड हैंग बाय ऑल मींस हैंग एंड वी आर हियर फॉर जस्टिस फॉर आवर फेलो मेडिकल्स।